नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूं, आपका रमनदीप सिंह एक नई वीडियो के साथ, और जिसमें हम शेयर करने वाले एक इम्पॉर्टेंट क्यू कार्ड, और उस क्यू कार्ड का नाम है टॉक अबाउट योर फेवरेट पीस ऑफ फर्नीचर एट होम। क्वेश्चंस कैन बी व्हाट फर्नीचर इट इज, हु ब्रॉट इट, फॉर व्हाट पर्पस यू यूज इट, और व्हाई यू लाइक इट सो मच। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपके साथ इसके आइडियाज़ को शेयर करूं और एक हम सैम्पल आंसर डेवलप करें, मैं आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ खुद भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट कीजिए, और आप चाहें तो मेरे वीडियोज़ पर कॉमेंट्स भी दे सकते हैं, और अपकमिंग वीडियोज़ में आपको कौन से क्यू कार्ड्स के आंसर चाहिए ये भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज मैं ऑन डिमांड भी वीडियोज़ आपके लिए बनाना पसंद करूँगा। दोस्तों, इसके लिए अगर हम देखें तो घर में बहुत तरह का फर्नीचर होता है, बेड होता है, अलमीरा होती है, डाइनिंग टेबल होता है, सोफा होता है, बट मैंने इसके लिए चूज़ किया है स्टडी टेबल। जी हाँ, स्टडी टेबल। बहुत सारे रीज़न है, आप स्टूडेंट हो, आपको पता है कि आप स्टडी टेबल को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें रहेंगी हमारी। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि ये हमारा गिफ्ट था, जब मैं इतनी उम्र का था, 15 का 16 का, तब मेरे फादर ने मेरे को गिफ्ट किया। इसके बारे में हम थोड़ा सा बनाएंगे कि ये एक हार्डवुड का बना हुआ है, इसका कलर वॉलनट है, इसके अंदर टू ड्रॉअर्स हैं, इसके साथ एक चेयर है, समथिंग व्हाटसोएवर। उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे तो बताएंगे कि कौन कौन से पर्पसेस के लिए या हाउ ऑफन यू यूज़ इट। उसके लिए हम कहेंगे कि क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपको स्कूल के बाद लॉन्ग आवर्स स्टडी करना होता है, तो आप इस कंप्यूटर इस स्टडी टेबल का यूज़ करते हो। इसका जो डेस्क है उसके ऊपर आपने कंप्यूटर भी रखा हुआ है या अपना लैपटॉप रखा हुआ है, वो भी क्योंकि आपकी स्टडी है, वो काफ़ी कुछ उसमें कंप्यूटर्स भी इन्वॉल्व है, तो आप इस पर बैठ के काम अपना कर सकते हो। इसके ऊपर एक छोटी सी शेल्फ है जिसके ऊपर आपने अपनी इंपॉर्टेंट बुक्स को रख रखा है, प्लस एक शेल्फ और भी है जिसके ऊपर आपने जो आज तक के प्राइजेस या ट्रॉफीज वगैरह विन किए हुए हैं, जो रिवॉर्ड्स आपको स्कूल्स में मिले हैं, उनको भी आपने डिस्प्ले किया हुआ है। साथ ही में एक छोटी सी, आप कह सकते हो बुद्धा, या आपने एक फैमिली की फ़ोटो रखी हुई है, क्योंकि उसको लगता है कि आपको उसको देखने से आपकी स्ट्रेस रिलीज होती है, या इसको कुछ कहते हैं कि टैलिस्मैन करके, या की कहते हैं यार, गुड लक चार्म, सो गुड लक चार्म बोलते हैं उसको। तो उससे भी आगे जाएगा कि इसके साथ दो ड्रॉअर्स भी हैं, तो उस ड्रॉअर्स में आप अपनी स्टेशनरी वगैरह रख सकते हो, हर एक चीज़ को नाइसली स्टैक अप कर सकते हो। देन इसके साथ एक अकॉम्पनीड एक चेयर है, जो चेयर है वो ऑर्थो चेयर है। ऑर्थो मतलब वो आपकी बैक का ध्यान रखती है, ताकि आप लॉन्ग आवर्स स्टडी इंजॉय कर सको बिना टायर्ड हुए। यहाँ पे एक स्टडी लैम्प भी है, ताकि लेट नाइट आप पढ़ सको, क्योंकि आप रूम शेयर करते हो अपने ब्रदर के साथ, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, तो लाइट आपकी टेबल तक ही कन्फाइंड रहती है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम आज का सैम्पल आंसर तैयार करेंगे। सो लेट्स सी कि इसका सैम्पल आंसर कैसा होना चाहिए। ओके, वेल, माई हाउस इज़ फुल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर, लाइक डाइनिंग टेबल, सोफा, बेड एंड सो ऑन, बट नाउ आई विल श्योरली टॉक अबाउट माई स्टडी टेबल, बिकॉज आई फाइंड इट माई फेवरेट पीस ऑफ फर्नीचर। आई स्टिल रिमेंबर वेन आई टर्न 15, एट दैट टाइम माई फादर गिफ्टेड मी दिस स्टडी टेबल। इट इज़ मेड ऑफ हार्डवुड एंड इट इज़ ऑफ वॉलनट कलर। It has a very modern design and at the same time it is very compact in size, so it does not take up too much space in my room. I like it for different reasons and I use my study table quite often. The fact is that I'm a full-time student, so after school in the evening I sit on my study table and do my study. There is also a computer on this table. Actually, I often have to complete my assignments and my project work with the help of computers, so I can use my computer sitting on this table only.
Moreover, this table has two shelves, and on one of the shelf I have kept my important books, and on the other one I have kept all the accolades or the rewards or trophies that I have received during my school days. In fact, there are two drawers as well in which I keep my stationery. These drawers really help me to keep my stuff intact. In addition, I have also placed my family photograph on this table, and I consider it as a lucky charm for me, and it helps me if my mood is a little upset and I don't want feel like doing study. Last but not least, there is also a study table so I could study late night without disturbing my brother with whom I share my room. Overall, it is a fantastic piece of furniture that I frequently use. So, कैसा लगा दोस्तों ये क्यू कार्ड आपको? जबकि हमने चीजें काफी सारी सोच रखी थी स्टार्टिंग में, लेकिन जब हम बोलते हैं तो अगर रिदम में बोलो तो आप रियलाइज करोगे कि बहुत कम बोलने की जरूरत पड़ती है और दो मिनट का टाइम बड़ी इजीली कवर हो जाता है. तो ऐसे ही अपने माइंड में पहले स्टोरीज बनाओ, पहले डिसाइड करो कि किसी एक चीज़ के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कहने के लिए, फिर आंसर स्टार्ट करो तो आप कभी भी रस्ते में नहीं रुकोगे और फ्लुएंटली आंसर देते रहोगे. आई होप यू लाइक माई टिप्स एंड ट्रिक्स एंड यू लाइक माई आइडियाज एंड लाइक माई वीडियोज़. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी ही मिलते हैं. बाय.